43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में जो है बीपीएससी रिजल्ट में देरी हो रही है। 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जो है निकल जाएगा। चयनित शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी में जुटा हुआ है विभाग, तो जल्द ही चयनित शिक्षकों को योगदान भी करवाया जाएगा। बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। आयोग 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयासरत था, लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकता वार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1664 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके कारण अभी रिजल्ट निकालने में 1 से 2 दिन और लगेगा। बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश बेंच में स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जाए। मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट ही आएगा। तो वही मुश्किल तो यहाँ पे होगी है, क्योंकि एक जैसा नंबर लाने वाले बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी है, साथ ही किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर रहा होगा, तो वहाँ पे नाम के वर्ण का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है वो आ रही है। चयनित शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी में जुटा है विभाग। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किया जाने वाला शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी करने के लिए सचिवालय में रविवार को भी बैठक हुई। बैठक में चयनित शिक्षकों को ट्रेनिंग, उनके दस्तावेजों की जांच के संदर्भ में चर्चा की गई। इस बैठक में सभी निदेशक भी मौजूद रहे। दोपहर 12 बजे अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के संदर्भ में मंथन किया गया। विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के चयन की अनुशंसा मिलते ही दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा। साथ ही SCERT के जरिए शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कराया जाएगा। इसके लिए SCERT ने तैयारी जो है पूरी कर ली है।